हेलो फ्रेंड्स, टीसीसी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता और आज की हमारी टेक न्यूज काफी खास और दिलचस्प है, तो हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। तो हमारी पहली टेक न्यूज ट्रू कॉलर की तरफ से है। ट्रू कॉलर ने ट्रू कॉलर 8 के रूप में कुछ नए फीचर्स लाए हैं। साथ ही साथ ट्रू कॉलर ने अनाउंस किया है कि वो एयरटेल से पार्टनरशिप करेगा, जिससे कि वैसे फोन जिसमें मोबाइल डेटा नहीं चलते हैं उस पर SMS के जरिए इन्फॉर्मेशन जाएगी कि आपको किसने कॉल किया है। साथ ही साथ फीचर फोन में ये फैसिलिटी भी उपलब्ध होगी और आप जान पाएंगे कि आपको किस व्यक्ति ने कॉल किया है। ट्रूकॉलर में नया फीचर अब ये है कि अब आप अपने स्मार्टफोन के जरिए ट्रूकॉलर की मदद से पैसा सेंड या रिसीव कर पाएंगे UPI के थ्रू। साथ ही साथ प्रीडिफाइंड मैसेज को भी भेज पाएंगे इमोजी के साथ। नेक्स्ट अपडेट सोनी की तरफ से है। सोनी 4 अप्रैल को इंडिया में अपना फ्लैगशिप फोन सोनी एक्सपीरिया XJX लाने वाला है। नोगेट पे चलने वाले इस फोन में स्नैपड्रैगन 820 SoC है, 4GB रैम, 64GB रोम, फुल HD और इसका प्राइमरी कैमरा 19 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। ये फोन डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। हमारी नेक्स्ट एक न्यूज मोटोरोला की तरफ से है। मोटोरोला 4 अप्रैल को ही मोटोरोला G5 लॉन्च करने वाला है, जिसमें SoC स्नैपड्रैगन 430 है, OS नुगेट है, 16GB रोम और 2 और 3GB के रैम वेरिएंट में है। इसका रियर कैमरा 13 मेगापिक्सल का और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है और इसका प्राइस मोटोरोला G5 प्लस से कम है। अगली खबर हमारी लिनोवो की तरफ से है। लिनोवो P2 में नुगेट एंड्रॉइड 7 अपडेट मिलने लगा है और इसका डाउनलोड साइज अबाउट 2GB है। जिसके पास लिनोवो P2 है वो अपने फोन की सेटिंग में जाकर अबाउट पर क्लिक करें और सिस्टम अपडेट हिट करके अपना फोन अपडेट कर सकते हैं। मगर अपडेट करते समय ये ध्यान रखें कि आपके फोन की बैटरी एटलीस्ट 75% हो और अपने डेटा का बैकअप आप ले लें। नेक्स्ट न्यूज हमारी अमेजन की तरफ से है, जिसे ये न्यूज आ रही है कि बहुत ही जल्द ऑनलाइन रिटेलर अमेजन इंडिया में ग्रोसरी स्टोर शुरू करेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फूड रिटेल से परमिशन लेने की प्रोसेस में है। इसके बाद ग्रोसरीज ऑनलाइन पोर्टल के अलावा अमेजन आउटलेट पर भी उपलब्ध होगा। मे बी ये सबसे पहले बेंगलुरु से शुरू हो सकता है। अगली टेक न्यूज रेलवायर साथी की है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया के 500 रिमोट रेलवे स्टेशन पर वाईफाई हॉटस्पॉट लगाया जाएगा और आप इससे फ्री इंटरनेट की सुविधा पा सकेंगे। ये काफी अच्छा है हमारे देश के लिए, क्योंकि अब रिमोट एरिया भी डिजिटलाइज हो जाएगा और रिमोट स्टेशन पर भी अब आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। तो दोस्तों, अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब के डेटा आदि का बैकअप तो सभी ने लिया होगा, पर क्या कभी अपने दिमाग के पूरे दिन के थॉट्स का बैकअप लिया है? जी हाँ, इसी तरह का कुछ रिसर्च चल रहा है और आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो यही दिलचस्प न्यूज के साथ हम आए हैं, जिसमें ये न्यूज आई है कि इलोन मस्क ऐसे ही टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने एक फॉर्म लॉन्च किया है न्यूरालिंक कॉर्प, जिसमें न्यूरोलस टेक्नोलॉजी के थ्रू मैट्रिक्स स्टाइल न्यूरल कंप्यूटर डेवलप करेगी, जिसमें बहुत ही छोटे इलेक्ट्रोड को ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट कर दिया जाएगा और एक दिन के पूरे थॉट्स को अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। इसे इलोन मस्क ने ट्विटर पे ट्वीट करके कंफर्म कर दिया है। न्यूरालिंक कैलिफोर्निया में एज अ मेडिकल रिसर्च कंपनी के तौर पर लास्ट जुलाई में रजिस्टर हुई है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को यूज करके ये डिवाइस बनाएगी। वैसे तो ये आइडिया कंट्रोवर्सियल है, जिसे पहले भी दुबई में हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में रिजेक्ट कर दिया गया था। तो देखें क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आज की टेक न्यूज यही खत्म होती है। तो दोस्तों, इसी तरह के न्यूज अपडेट्स हम आपको लाकर देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट कीजिए, साथ ही साथ अपने कमेंट भी दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।